साल 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इस साल कई फिल्म्स रिलीज हुई। अब फैंस को एक्साइटमेंट है तो साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्मों की। इस साल 2022 में साउथ इंडियन फिल्म्स बॉलीवुड पर काफी भारी रही। ऐसे में नए साल से बॉलीवुड को काफी उम्मीद है। इस लिस्ट में बड़े बड़े स्टार्स भी शामिल हैं, जो कई सालों बाद स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, जिन्हें फैंस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं नए साल में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट। पठान, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म से दो गाने भी सामने आए हैं। फिल्म को लेकर कई कंट्रोवर्सी भी शुरू है, लेकिन फैंस फिल्म देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलेगी। ये एक जासूसी फिल्म है और लंबे समय के बाद किंग खान को बड़े पर्दे पर देखना एक्साइटिंग होने वाला है। जवान एंड डंकी। नए साल में शाहरुख खान की दो और नई फिल्म भी शामिल है, जो जवान और डंकी है। डंकी साल के आखिरी मंथ यानी दिसंबर में रिलीज होगी। वहीं जवान 2 जून को रिलीज करने की बात की जा रही है। डेट में चेंजेस भी आ सकते हैं। टाइगर 3। सलमान खान की टाइगर 3 साल 2023 में 10 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। फैंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। किसी का भाई किसी की जान। शाहरुख खान के साथ ही भाईजान भी नए साल में जलवा दिखाने वाले हैं। ये फिल्म 2023 में 21 अप्रैल को रिलीज होगी। ये फिल्म एक्शन से भरपूर है और इसे ईद के मौके पर रिलीज करने की तैयारी है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू एक्टिंग करते नजर आएंगे। बवाल। वरुण धवन की फिल्म बवाल अप्रैल मंथ में ही रिलीज होगी। इसमें जाह्नवी कपूर भी दिखाई देंगी। पहली बार दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। कुत्ते। फिल्म का नाम सुनकर ही फैंस देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या है। नए साल में डायरेक्टर विशाल भरद्वाज के बेटे आसमान भरद्वाज की फिल्म कुत्ते रिलीज होगी। 13 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म का ट्रेलर भी सामने आ गया है, जो सभी को काफी पसंद आ रहा है। शहजादा। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा 10 फरवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में कार्तिक के साथ परेश रावल, कृति सेनन और मनीषा कोइराला लीड रोल में हैं। मैदान। नए साल में एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान 17 फरवरी को रिलीज होगी। रिपोर्टेडली ये फिल्म सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक बताई जा रही है। अब्दुल रहीम 1950 से 60 के दशक तक भारतीय फुटबॉल कोच और भारतीय राष्ट्रीय टीम के मैनेजर थे। इस फिल्म में अजय देवगन रहीम की भूमिका में होंगे। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर AR रहमान काम कर रहे हैं। तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठी मैं मक्कार ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म से डायरेक्टर लव रंजन बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने जा रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर हैं। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और लव फिल्म्स के जरिए किया जा रहा है। फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है। आदि पुरुष। आदि पुरुष साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 16 जून को रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन नजर आएंगे। ओम राउत ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। एनिमल। एनिमल फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और परिणीति चोपड़ा एक्टिंग करते नजर आएंगे। फिल्म से अब तक कई फोटोज सामने आ चुकी हैं। तो ये थी 2023 में रिलीज होने वाली धमाकेदार फिल्म, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।